नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं, अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो ये 5 बातें आपकी काफी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, ये 5 बातें बताने से पहले यदि आप किसी सरकारी नौकरी या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। हर साल भारत से लाखों की संख्या में स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, उनमें से जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको इस पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, किस कॉलेज में और कहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, आप कोर्स में किन विशेष विषयों को चाहते हो, कोर्स का समय कितना होगा, कॉलेज कैसा है और वहाँ की फैसिलिटी कैसी है। दोस्तों, यदि आप इनकी जानकारी पूरी जानकारी रखते हो तो आपको बाद में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो विदेश में जाने से पहले ये इन चीज़ों की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। जो दूसरी बात है दोस्तों, वो ये है कि इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस देश में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह भारत से कितनी दूर है, संपर्क के साधनों की कमी तो नहीं है और सुरक्षा और मौसम कैसा है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो विदेशों में जाकर आप फंस जाते हो। बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है कि वहां से बनाई जाती है कि हम दूसरे देश के अंदर पढ़ाई करने के लिए आए थे और यहाँ जंगल में फंस गए हैं, हमें हमारी मदद करो। तो आपको वहाँ के मौसम की जानकारी होगी, सुरक्षा की जानकारी होगी, तो आप कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, जो अगली बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उसके बारे में जान लें कि वहाँ कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा। यदि ऐसा है, यदि कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी पता कर ले, ताकि दोस्तों आपको कम पैसे लगे विदेश में, आपका खर्चा ज़्यादा न हो। अगर स्कॉलरशिप मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई अंतर्राष्ट्रीय जो कॉलेज है वो छात्रों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। वह उन्हें वहां पहुंचने से पहले और बाद में दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें वीजा प्राप्त करने में मदद करते हैं और नए देश में रहने के लिए भी सुविधाएं दी जाती है। यदि ऐसा है तो पहले ही पता कर ले ताकि आप उनका भरपूर लाभ उठा सके। कि जो इंटरनेशनल कॉलेज होते हैं वो आपको वीजा बनाने में मदद करते हैं, फिर आप दूसरे देश के अंदर जाते हो तो वहाँ रहने की सुविधा प्रदान करते हैं और भी बहुत सारी सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपको उन कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए विदेश जाने से पहले। आगे देखिए दोस्तों, जो लास्ट टिप्स है विदेश जाने से पहले, जिसको आपको फॉलो जरूर करना है, कि मोटा पैसा लगाकर आप विदेश में पढ़ने जा रहे हो तो ये सुनिश्चित कर ले कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहां का प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, वह कौन कौन सी कंपनी आती है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो विदेश में पढ़ाई करना और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी बातें बताई जो आपको विदेश जाने से पहले यानी विदेश में पढ़ाई करने जाने से पहले पता होनी जरूरी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए जीके गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।